हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस से एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हो, वो भी कंट्रोल पैनल की हेल्प से। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि आप किस से यूजर को क्रिएट कर सकते हो, बट उस वीडियो में मैंने आपको CMD के थ्रू वो बताया था कि आप किस से यूजर क्रिएट कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम कंट्रोल पैनल की हेल्प से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूजर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। उसके लिए विंडो प्रेस आर प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है और आपका जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपका कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह से दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर कॉटेज में जाकर लास्ट से कॉटेज पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यूजर अकाउंट्स पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर आपको एड यूजर और रिमूव यूजर अकाउंट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे ये ब्लू लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है एड न्यू यूजर इन PC, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इससे आपके कंप्यूटर का सेटिंग ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट सेटिंग के थ्रू भी यहाँ पर आ सकती हो। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप होम पे जब रहोगे सेटिंग ओपन करते हो तो आप डायरेक्ट होम पे आते हो, तो आप यहाँ से अकाउंट्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिलीज एंड अदर यूजर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप एड समवन एल्स टू दिस PC पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो आप इसे टाइम दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने यूजर का नेम टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ सुनील ट्यूटोरियल, ये मेरे दूसरे चैनल का नाम है। आपको इस चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां से मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहां पर मैं वीडियो ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो आप मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आपको अपने पासवर्ड को एंटर करना है। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करते हो उसके बाद भी नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर नहीं करते हो तो फिर भी आएगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करूँ 1 2 3 4 5 6, उसके बाद मैं यहाँ पर सेम पासवर्ड टाइप कर देता हूँ कंफर्मेशन के लिए 1 2 3 4 5 6। बट आपको इस प्रकार का पासवर्ड नहीं रखना है, नहीं तो कोई भी उसे ओपन कर लेगा। और यहाँ से आप इसके हिंट को या कोई क्वेश्चन वेश्चन ऐड कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड भूल जाते हो तो उस समय ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड ऐड नहीं करते, देखिए यहाँ पर से मैंने पासवर्ड रिमूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा यूज़र ऐड हो चुका है और मैं अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र ऐड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर रिफ्रेश करने से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम इसे बैक करेंगे। उसके बाद फिर से इसी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सुनील ट्यूटोरियल से यहाँ पर यूज़र आ चुका है और ये मेरा टेक सल्यूशन के नाम से भी यूज़र है, जिसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है और ये विदाउट पासवर्ड लगा हुआ है और ये मेरा लोकल अकाउंट है, ये भी लोकल अकाउंट है। उसके बाद अगर आपने यूज़र क्रिएट कर लिया, उसके बाद अगर आपको इसमें पासवर्ड सेट करना है तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखें क्रिएट अ पासवर्ड चेंज अकाउंट नेम। अगर आप अकाउंट नेम को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सुनील ट्यूटोरियल है, देखिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया टेक सॉल्यूशन प्रो। उसके बाद चेंज नेम पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, इसका जो नेम है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप पासवर्ड इसमें सेट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपको इसे यहाँ पर कंफर्म करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर हिंट भी ऐड कर सकते हो, सॉरी यहाँ पर पासवर्ड में मिस्टेक हो चुका है तो मैं इसे दोबारा से टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड में हिंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप पासवर्ड भूल जाती हो या आपने जो भी पासवर्ड सेट किया है उससे रिलेटेड हिंट डाल सकते हो। ये नहीं कि आपने पासवर्ड टाइप किया है 1 2 3 4
और आप हिंट में डाल रहे हो काउ मिल्क, ऐसा आपको कुछ भी नहीं टाइप करना है। जस्ट आपको अपने पासवर्ड के अकॉर्डिंग ही हिंट डालना है जिसे सिर्फ आप समझ सको, कोई और नहीं है। तो मैं यहाँ पर 129 टाइप कर देता हूँ जिससे मुझे पता रहे कि मैंने 129 तक इसमें लेटर्स यूज किए हैं। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके यूजर में पासवर्ड लग चुका है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए चेंज पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप इसके अकाउंट टाइप को भी चेंज कर सकते हो। यह भी हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट है, अगर आप इसे एडमिनिस्ट्रेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक कर दीजिए। अब यह आपका एडमिन अकाउंट हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। अगर आपको इसे नॉर्मल करना है तो उसके बाद चेंज अकाउंट पर जाइए, यहाँ से स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिए, चेंज टैब पर क्लिक कीजिए। ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट हो चुका है। उसके बाद अगर आपको इस अकाउंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिए, ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और इसे डिलीट करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और जहाँ से आपने यूज़र ऐड किया है वहीं पर इसे क्लिक कीजिए और रिमूव के लिए ऑप्शन आ जाएगा। बट यहाँ पर सुनील ट्यूटोरियल आ रहा है क्योंकि हमने इसे क्लोज नहीं किया था, तो जैसा हमने इसे मिनिमाइज किया था ओपन करते वक्त भी हमें सेम देखने को मिल रहा है। उसके लिए आप किसी और सेटिंग पर क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर से यूजर्स पे आइए और यहाँ पर हमारा अकाउंट का जो नेम है वो चेंज हो चुका है यहाँ से। तो आप यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इस अकाउंट को रिमूव कर सकते हो। अगर आप अकाउंट टाइप को यहाँ से भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्टैंडर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर पर भी क्लिक कर सकते हो। वो सभी फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट ऑप्शन दिया मैनेज अनदर अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करके आप इससे बाहर आ जाओगे। तो हमने जो अकाउंट क्रिएट किया था हम इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं, सेटिंग को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको विंडोज के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से या आप डायरेक्ट साइन आउट पर क्लिक कर सकते हो। तो जैसे आप साइन आउट पर क्लिक करोगे आप अपने एडमिन अकाउंट से लॉग आउट हो जाओगे। ये देखिए हमारा जो यूजर है वो साइन आउट हो चुका है। अब जैसे आप इंटर करोगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा किसी भी यूजर को सिलेक्ट करने के लिए। ये हमारा डिफॉल्ट यूजर ओपन हो रखा है यहाँ पर, जैसे आप साइन पर क्लिक करोगे आप इंटर हो जाओगे क्योंकि इसमें पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन में क्लिक करते हो तो यहाँ पर पासवर्ड है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी गलत पासवर्ड टाइप करते हो तो यहाँ पर हिंट मिल जाएगा आपको 123456, ये इसका पासवर्ड है जो कि मैंने डेमो के लिए यहाँ पर दिखा रखा है। उसका नाम हम इसे टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रो को यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पर पहले मैं रॉन्ग पासवर्ड टाइप करता हूँ जिससे आप हिंट देख सको। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड आ गया 129। उसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड को व्यू कर सकते हो कि आपने गलत टाइप किया है सही। उसके बाद इसके अंदर एंटर करते हैं और अगर फर्स्ट टाइम आप नया यूजर क्रिएट करके उसके अंदर एंट्री लेते हो या उसे ओपन करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो वहां पर आपको एनिमेशन देखने को मिलता है, हाई वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, तो वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप पेशेंस रखिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए हम अपने टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रो यूजर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए ये रहा यूजर्स और यहाँ पर सुनील कुमार और टेक्स्ट सॉल्यूशन ही दिख रहा है क्योंकि हम इसके अंदर लॉगिन है, तो ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट आपको चेंज अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है लोकल अकाउंट टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रो। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर दीजिए जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कैसे लगा और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे लाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @MrShivakumar, इंस्टाग्राम का लिंक और मेरी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।